हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 12 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर लूमिंग पे चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पर तो अपनी बकवास करना बंद करो। तभी जितने भी वहाँ के एल्डर होते हैं वो कहते हैं, हे लू जिनजिया, तू वहीं पर शांत हो जाओ। जिसको सुनने के बाद लू जिनजिया जो ग्रेट एल्डर होते हैं उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी जो ग्रे वहाँ के जो बाकी एल्डर होते हैं, एल्डर लीडर, वो उससे बोलते हैं, लूमिंग तुम कंटिन्यू करो बोलना, तुम जो भी बोलना चाहते थे। और तभी लूमिंग उससे कहता है, हे ग्रेट एल्डर, ये सब हुआ है ये तुम्हारे डॉटर ऑफ द हेवन, हेवन की डॉटर के कारण। और जो हमारे ग्रेट एल्डर हैं वो हमेशा अच्छा होने का नाटक करते थे मेरे से, और 3 सालों तक इन्होंने मुझे यामा पोलन खिलाया था और मेरी वीन्स और ब्लड को पूरी तरीके से नरिशमेंट दिया इन पूरे 3 सालों तक लगातार। और इसी कारण से मैं अपनी ब्लड को, ब्लड लाइन को जगा नहीं पाया था। और उसके जैसे ही मैं अपनी ब्लड लाइन को जगाने में फेल हो गया, तो मैंने एक मौका उठाया और अपनी ब्लड लाइन को फ्यूज कर लिया अपने साथ, अपनी वीन के और अपनी खुद की ब्लड लाइन के साथ। अगर ये लू याओ के वजह से नहीं होता तो मैं, मतलब ऐसा नहीं होता मेरे साथ, तो आपको क्या लगता है कि लू याओ इतनी काबिल है कि 5th लेवल की ब्लड लाइन को जगा सके, वो भी अपनी इस बेकार सी टट्टी जैसी एबिलिटी के साथ। इसको सुनने के बाद लू याओ के पसीने छूटते हैं और अपने दांत पीसकर गुस्सा कर रही होती है बस। तभी जो बाग के एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, लू जिनजियांग, क्या ये जो लूमिंग कह रहा है वो सच है? और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और दूसरे एल्डर कहते हैं, क्या ये सच में है? और वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है, हर जगह धुआं होता है उसके चारों तरफ। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं लूमिंग की तरफ इशारा करते हुए, ये बकवास किया जा रहा है और कुछ भी नहीं, तुम बस एक वेस्ट हो और कुछ भी नहीं, तुम अपना इल्जाम किसी और पर डालने में लगे हो, तुम डिस्पेसल शेमलेस कहीं के बदतमीज लूमिंग। और बोलता है ग्रेट एल्डर, बोलते हैं, हे 7th एल्डर, इस लूमिंग का कैरेक्टर बहुत ज्यादा बेकार है और इसे लू फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए, ये हमारी लू फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बहुत ज्यादा गुस्से में लूमिंग पर इल्जाम लगाने लगता है। तभी लूया उससे कहती है, लूमिंग तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कोई भी तुम्हारा विश्वास कर लेगा? तभी लूमिंग उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ये बिल्कुल सच है कि तुमने अपनी ब्लड लाइन को जगा लिया है, तुमने मेरे ब्लड को 3 सालों तक नरिश किया है और तो और मेरे वीन को भी। अगर आप इसके ब्लड लाइन की चेकिंग करोगे और टेस्ट लोगे तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई के बारे में, क्या तुम तेरे में हिम्मत है लू याओ टेस्ट देने की? इसको सुनने के बाद ग्रेट एल्डर और ज्यादा भड़क जाते हैं और उसपे चिल्लाते हुए गुस्से में उससे कहते हैं, हे लूमिंग, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हमें टेस्ट करना होगा बस वो इसलिए क्योंकि तुम कह रहे हो, तो मैंने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? तभी बाकी एल्डर और खड़े हो जाते हैं सारे के 7 एल्डर्स और उसकी तरफ घूरते हैं और बोलते हैं, बहुत हुआ लू जिनजियांग, तो बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और तभी 7 एल्डर में से एक एल्डर खड़े होते हैं उनके लीडर और उससे बोलते हैं, हे लू जिनजियांग, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि तुम हमारी लू फैमिली के ग्रेट एल्डर हो और तुमने इस तरीके की शेमलेस हरकत की। आज हमारा जो एल्डर हाउस है ये अनाउंस करता है कि बस। ये बात सुनते ही और भाई साहब उस ग्रेट एल्डर के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वहाँ के जो एल्डर है वो अनाउंस करते हैं, बोलते हैं, जल्दी से लू जिनजियांग को ग्रेट एल्डर की पोजीशन से हटा दिया जाए। और उसी समय जो लू याओ है उसकी जो हायर बनने की, मतलब लीडर बनने की जो चांस है उसे भी छीन लिया जाए लू फैमिली का पैट्रिज बनने से। जिसको सुनने के बाद ग्रेट एल्डर की सड़क जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। और उससे कहता है ग्रेट एल्डर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें पता भी है तुम उस लिटिल बास्टर्ड, उस लूमिंग ने तुमसे कह दिया और तुम मुझे बस उसके लिए मेरी ग्रेट एल्डर की पोजीशन से हटा रहे हो। तुम एक बात का याद रखना, जो मेरी डॉटर है, जो मेरी बेटी है लू या, वो ऑलरेडी दुआनमू फैमिली में इंगेज हो चुकी है। तभी दुआनमू फैमिली का जो बाइट टाइगर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि जो तुम्हारी लू या होगा और हमारी दुआनमू फैमिली ऑलरेडी मैरिज है। इसको सुनने के बाद 7 एल्डर थोड़े सरप्राइज होते हैं। तभी वो कहता है, जो लू याओ है वो लू फैमिली का टेक, मतलब चार्ज लेगी और लीडर बन जाएगी, ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी गोनर की बात होगी, लेकिन तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो। तभी किसी की आवाज आती है और उसे बोलता है, दुआनमू गोइंग, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, क्या तुम पूरी दुआनमू फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है मुलान को, मुलान उससे कहती है, और दुआनमू फैमिली रिप्रेजेंट कर सकती है जुआनमू सेट को, सेक्ट को, तुम पहले मुझे ये बात बताओ। तभी जो दुआनमू गोइंग होता है उससे कहता है, हे मुलान, तुम अपनी नाक माता घुसेड़ो स्टेज में। जब ही तो मुलान उससे कहती है, मैं ये बात बता सकती हूँ, जो लू फैमिली है उसको मैं मुलान कवर कर रही हूँ, देखते हो किस में हिम्मत है टच करने की। तभी जो लू याओ है वो जोर से अनाउंस करती है और बोलती है, हे सीनियर दुआनमू,
मैं व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। और बस और उसे अनाउंस करते जोर से चिल्लाते तो कहती है कि जो तुच्छ सी लू फैमिली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद दुआन में खुश हो जाता और बोलता है ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, जस्ट हमारी फैमिली के लिए। अब तुम बिल्कुल हमारे पूरे हाथ में हो, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लू फैमिली को हम अपने वश में कर लेंगे कभी ना कभी। और जब तक हमारी जो यंग लेडी लू याओ का जो टैलेंट है उसको देखते हुए तो ये जरूर ही आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगी फ्यूचर में, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। तभी वहाँ के सारा का सारा सन्नाटा छा जाता है और जो सेवन एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं ये बात सुनने के बाद। तभी हमें दिखाया जाता है जो लू याओ है वो लूमिंग से अनाउंस करते कहती है लूमिंग तुम में अगर हिम्मत है तो तुम मुझे यहीं पर मार के दिखाओ, वरना मैं आज का जो शेम है वो कभी भी नहीं भूलूंगी और तुम्हें इसका 10 गुना ज़्यादा बदला भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में। तभी जो लूमिंग उससे कहता है जो सेम तुम मुझे आज की बता रही हो ये वाकई में एक नंबर का बकवास है, अगर तुमने ये सब हरकतें नहीं की होती उससे और मेरी ब्लड लाइन को नहीं लिया होता तो आज ये सब हुआ ही नहीं होता, इस बात को याद रखो। लू याओ आज मैं तुम्हारे वर्ड को वेरीफाई करने के लिए देता हूँ तुम्हारे अपनी आंखों से, यहाँ पर सच में जमीन आसमान का डिफरेंस है तुम में और मेरे में, इस बात को याद रखना। और इसमें एक स्माइल मारता और बोलता है और हाँ बात रही उस पीएलएस जीनियस दुआन लिन की, मैं उसका इंतजार करूँगा। और बोलता है अब तुम जा सकती हो। और भाई जो लू यान होती है वही मैं बस कप कपार होती है और कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और बोलता है जो लू या वो कहती है लूमिंग जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा है, तुम बस मेरा इंतजार करो। और तभी लू याओ कहती है हे फादर चलो चलते हैं हम जल्दी से जुआन जुआन स्वर्ट सेक्ट में जा रहे हैं। तभी वहाँ के जो दुआनगु का व्हाइट टाइगर का रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलता है हे लूमिंग बस तुम अकेले तुम हमारे दुआनगु लिन की फिंगर को भी टच नहीं कर सकते, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम जुआन जुआन स्वर्ट सेक्ट को ज्वाइन ना करो वरना तुम्हें पता चलेगा तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड और इग्नोरेंट हो, तुम अपने शब्दों के लिए तुम्हें भुगतना होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मुलान होती है वो उससे कहती है वाकई में लूमिंग का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है, तुम मेरे वर्मिलियन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो और उस दुआनमु मतलब दुआनमु लिन को अच्छे से सबक सिखाना आगे चलकर फ्यूचर में। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोई कंडीशन वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करा सकती जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट एवरीथिंग जैसा कि सभी लोग बता रहे थे, ये सब तुम्हें खुद से ही प्रोवाइड मतलब खुद से ही पानी होगी अपने मेहनत के दम पर। तभी लूमिंग कहता है हॉल मास्टर मू मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। और तभी जो मूलान होती है उसे अपना टोकन दे देती है और वो टोकन को रख लेता है लूमिंग। और जो मूलान होती है उससे कहती है लूमिंग एक बार तुम जुआनवु सेक्ट में एडमिशन हो जाओ तो वहाँ के जो एल्डर है वो तुमसे कभी भी फाइट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ के जो यंगर जनरेशन है उसको तुम्हें खुद ही संभालना पड़ेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद तुम इस टोकन को लेकर जुआनवु स्वर्ड सेट के वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट में चले जाओ और उसके बाद तुम डायरेक्टली वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद लूमिंग खुश हो जाता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हॉल मास्टर मू। और जो लूमिंग होता है मन में खुश होता है और बोलता है ये मेरे लिए काफ़ी है कि वहाँ के जो ओल्डर जनरेशन है वो मुझसे फाइट नहीं करेगी और मेरे साथ कुछ नहीं करेगी, अगर मैं यंगर जनरेशन पे भी नहीं निपट सकता जैसे कि दुआन फैमिली के तो आखिरकार मैं किस मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट करना चाहिए, ये तो मेरे लिए एकदम बर्बाद हो जाएगा मतलब। तभी मूलान उससे कहती है ए लूमिंग मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जुआनवु स्वॉर्ड सेक्ट में। और वहाँ से जाने लगती थी वहाँ के जो बाकी एडर होते हैं बोलते हैं हे लूमिंग तुम्हारा हम स्वागत करते हैं दिल से जुआनवान स्वॉर्ड सेक्ट में। तभी दूसरा एडर कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनोगे फ्यूचर जनरेशन में। तभी लूमिंग उससे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर्स, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट और ब्लैक टर्टल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाया। तभी वो कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तभी जो वर्मिलियन स्वॉर्ड सेक्ट वर्मिलियन इंस्टीट्यूट की जो एल्डर होती है रिप्रेजेंटेटिव बोलती है लूमिंग मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, अच्छा तो मिलते हैं जुआनवान स्वॉर्ड सेक्ट में। और वो उन्हें आराम आराम करके निकल लेते हैं और अपने अपने घर पे सब लोग चले जाते हैं अपनी अपनी सवारी लेकर और लूमिंग वहीं पर खड़ा रहता है और देख रहा है सब कुछ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी हमारा खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।